हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी तो दिवाली सीज़न चल रहा है, तो आप सबके घर में तैयारी चल रही होगी, यहाँ भी चल रही है, बट उतना नहीं जैसा कि मैंने आप लोगों से शेयर किया कि हमारे मतलब मेरे मम्मी के घर पे दिवाली वगैरह या कोई भी पूजा वगैरह नहीं होगा, क्योंकि मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो जब तक बरखी नहीं हो जाता, एक साल पूरा नहीं हो जाता, तब तक कोई ऐसे पूजा पाठ की चीज़ें नहीं होती हैं। तो बस ऊपर ऊपर जो होता है वही होगा, कोई पूजा वगैरह नहीं होगा। सारी चीज़ें होंगी, खाना वगैरह ये सब सब कुछ होगा, बट पूजा नहीं होता है। तो अभी आज तो दिवाली के एक दिन पहले का मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी मैं सो कर उठी हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है, बउआ जो है वो रात में थोड़ा जगता है, तो 4-5 दिन से क्या हो रहा था, भैया सोता था तो उसकी नींद नहीं पूरी हो रही थी, तो जिसकी वजह से उसको ऑफिस में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं तो बेरोजगार बैठी हूँ, मैं ही सो जाती हूँ। तो सो रही थी, तो थोड़ा बेड चेंज होता है तो नींद नहीं आती है ना, तो ऐसा थोड़ा हो गया है, तो ऐसा लगता है कि रात को नींद नहीं हो रही है। तो फिर ऐसे दोपहर को टाइम मिला तो सो गई, अभी सोकर उठी हूँ। अभी क्या करना है, बहुत सारा काम है, अभी जा रही हूँ मंदिर में, साफ़ की है तो मंदिर में पेपर वगैरह लगाती हूँ। तो चलिए चलते उधर, और फिर बाकी का भी दिखाऊंगी कि और क्या क्या, बाकी भी आप लोगों को अपडेट करती रहूंगी कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। और अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि दिवाली पे क्या पहनूँ, क्योंकि ये आ रहे हैं, पति देव आ रहे हैं दिवाली पे, तो अब थोड़ा इंटरेस्ट आ गया कि चलो कुछ पहना था। और ना मिंत्रा से मैंने एक बेडशीट नहीं कम्फर्टर ऑर्डर किया था बउआ के लिए, बट रॉन्ग प्रोडक्ट आया है, ये बेडशीट आ गया है। ठीक है, तो बेडशीट वैसे अच्छा है, क्वालिटी वाइज डबल बेड का है, बट मुझे हम लोगों को भी चाहिए नहीं, तो इसलिए कंप्लेन करके रिटर्न में डाली हूँ। अभी पता नहीं मेरा जो क्लचर है ना, मैं सो रही थी तो नीचे गिर गया, तो अब नहीं सो रही है, वो उठेगी तो उससे निकलवाऊँगी, तो वही बेड की उस साइड जा सकती, मैं तो नहीं पहुँच पाऊँगी। अपनी आराम से है। तो अभी भैया भाभी लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास बउआ के रेगुलर चेकअप के लिए, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है आज का। लाइट लग गया पूरे घर में, अब लाइट जब जलेगा तब दिखाऊंगी, क्योंकि इसका स्विच ना छत पे ही है, और छत पे अभी मैं नहीं जाने वाली, पूरा लाइट लग चुका है, जब जलेगा तो दिखाती हूँ। और भैया भाभी लोग डॉक्टर के पास गए हैं, जब तक वो लोग आते हैं तब तक मैं और मम्मी बैठे कपड़ा वगैरह फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि बउआ का तो बहुत सारा कपड़ा हो जाता है, तो उसको फोल्ड करके टाइम पास करने का कोशिश कर रहे हैं हम दोनों यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अभी सब्जी तैयार कर रही हूँ, और ये सारे सब्जी है, इसमें है मटर है, फ्रोजन मटर, आलू, फिर है गाजर, बीन्स, तो ये सब डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। इनको है करना अच्छे से मिक्स, पकाना बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिरयानी बनाने में, वो भी वेज सब्जी। अगर हम पका देंगे ज़्यादा, तो जब हम चावल वगैरह करेंगे और दम करेंगे तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पक चुका होता है, वो टूटने लगता है। और दम करने के लिए मैं सबसे पहले दही ली हूँ, और दही में मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, आपको तीखा कितना खाना है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मैं डालूँगी इसमें धनिया का पाउडर 1 चम्मच के आसपास, और फिर इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। उसके बाद बिरयानी मसाला एक्चुअली अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ मीट का मसाला, आप बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं या गरम मसाला से ही बना सकते हैं, सब्जी मसाला कुछ भी मसाला ऑप्शनल है। फिर ये कश्मीरी लाल मिर्च बहुत सारा, क्योंकि वो कलर आता है तो अच्छा दिख के आता है। तो दम करने के लिए मेरा मसाला तैयार हो गया, और पनीर मैंने फ्राई नहीं किया क्योंकि ये फ्रिज में था, और डीप फ्रिज में था तो टूट जाएगा अगर मैं फ्राई करूँगी, तो इसलिए ऊपर से ही ऐसे रख दी हूँ। और आधा जो वेजिटेबल है वो इधर निकाल ली हूँ, क्योंकि 2 लेयर में मैं करने वाली हूँ राइस को, और इधर प्याज ऐसे कट किया पतला पतला वाला। और अभी यहाँ देखिए 2-3 काम साथ में हो रहा है, तो कढ़ाई गरम कर रही हूँ जिसमें मैं प्याज को फ्राई करूँगी।
और यहाँ पे राइस बॉईल कर रही हूँ। और राइस बॉईल करने के लिए ये तेज़पत्ता, लवंग, इलायची ये सब डाली हूँ। नमक है और इसमें रिफाइन है ताकि चावल चिपके नहीं। उधर अग्नि का भुजिया बन रहा है या दूध गर्म हुआ है और यहाँ आटा गूंथने जा रहे हैं। तो चलिए ये सारे प्रोसेस हो गए हैं। तो आज बन रहा है वेज बिरयानी, यहाँ पे बनाया जा रहा है। वैसे कल बनता बट कल दिवाली है तो हमारे यहाँ बनता है दाल चावल तरुआ ये सब, तो फिर उसमें फिर बिरयानी में लगो वो मज़ा नहीं आएगा, पूरे दिन चावल चावल। तो ऑलमोस्ट हो गया है, बस वो चावल रेडी हो जाएगा तो दम कर दूंगी। और थोड़ा सा यहाँ पे जैसे बाहर का दही नहीं लिया है, घर का दही है तो पतला हो गया, तो वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक हो गया है। खैर कोई नहीं, और बने रहिएगा वीडियो में। किसी मोमेंट पे ब्लॉग अच्छा लगे मेरा आज का तो करना है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो भी कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और ये नाइटी वाली मेकअप की है क्योंकि हॉस्पिटल गए थे, बुआ का रेगुलर चेकअप होता है ना हर 10 दिन 15 दिन पे, तो वही गए थे हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल से आए तो अभी तक मेकअप नहीं उतरा इनका। ये देखिए यहाँ से ये देखिए अभी तक मेकअप वैसे ही है, रात भर ऐसी रहे, कल तक ये रखिएगा। हो गया है, बॉयल आ गया है। ये कुछ बोलना चाह रही है बट अभी शर्मा रही है। बोलिए क्या बोलना चाह रही है। नो कमेंट्स, जब मूड आएगा तब बोलेंगी। तो फिलहाल अभी मैं दूध पी रही हूँ साथ में, और चावल में पानी में बॉयल आ गया तो जा रही हूँ उसमें चावल डाल देती हूँ ताकि फटाफट से बन जाएगा बिरयानी का चावल। घर में बनता है तो मेरा बन गया है। ये देखिए बच बिरयानी बन चुका है, तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ ताकि फ्लेवर मेंटेन रहे। अब जा रही हूँ मैं रोटी बनाने के लिए क्योंकि अपनी का भुजिया बन गया है, क्योंकि वो आलू का भुजिया ही खाती है और रोटी के साथ। तो आलू का भुजिया हो गया है, आटा गूंथ चुका है, तो रोटी बनाऊँगी उसको दूंगी, फिर सबका बिरयानी सर्व करूँगी। और साथ में आया है मोमोज, अभी भाई जी लेके आया है तभी मोमोज खाया जाएगा। ये देखिए कि अपनी साड़ी पहनी, दिखाओ दे इधर आके साड़ी का स्टाइल अपना ज़रा सा, इधर तो आओ। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये साड़ी पहनी है। तो अभी मैंने एडिशनली ऊपर से वाइट राइस भी डाला है, फिर बिरयानी, और इधर देखिए सर्व कर रही हूँ। तो ये है बिरयानी टोटल, तो सबको देखकर हो गया है। अभी पूछती हूँ इसको कैसा लगा। यहाँ मम्मी खा रही है, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच में बताओ, ऑनेस्ट रिव्यू। बहुत बढ़िया, बहुत। और अभी ये यम का दीपक तैयार हुआ है क्योंकि दिवाली के एक दिन पहले ये यम का दिया निकलता है। तो इसमें है 5 तरीके का अनाज, तो ये दिया तैयार करके रख दिया गया है। जब सब लोग खाना खा लेंगे तो फिर ये जलाकर बाहर रखा जाएगा। और इस तरीके से पूरे घर में जो है घुमाया जा रहा है, और उसके बाद ये बाहर निकाल दिया जाएगा। ये देखो अपनी ब्लैंकेट ओढ़ के जा रही है बाहर में, क्योंकि ठंड बहुत है दोस्तों। आप भी ब्लैंकेट ओढ़ के कैंपस में आएंगे वरना आपको ठंड बढ़ लग जाएगी तो आपके पापा मारेंगे। ऐसे अपनी बाहर नहीं निकल रहा है कैंपस में, बहुत ठंड आ रही है। ये देखो अब ये लाइट रुके, सामने से दिखाती हूँ। नहीं जल रहा है, पूरा जल रहा है, तो ये पूरा लाइट से डेकोरेटेड हो चुका है। तो है यहाँ बहुत ठंड, ठंड तो बढ़ गया है और छठ आते आते तो और ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगा। तो अवनी मैडम जो है ब्लैंकेट में घूम रही है पापा के डर से, क्योंकि ये ठंड जो है बच्चों को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, बीमार पड़ सकते हैं, सर्दी खांसी वैसे सबको इम्पैक्ट करेगा,
तो सेफर साइड पे अपने को बच के रहना है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, यहीं पे वाइंड अप करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और दिवाली के दिन का ब्लॉग शूट करूंगी और वो भी शेयर करूंगी। हैप्पी दिवाली, फिर बोल दो तुम हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। दादी बोलो, बोलो ना, हैप्पी दिवाली। चलो गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए सोते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग और फिर ब्लॉग शूट करूंगी, वीडियो शूट करूंगी और शेयर करूंगी आप लोगों से। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।